आज की इस वीडियो के अंदर बनाने वाले भाई एक मेटल लेटर जो कि काफी कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक स्पीकर का यूज करेंगे, जो कि एक बार यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये एक टीवी का स्पीकर जो कि 12 वाट का स्पीकर है। तो हम इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले 8 ओम का और 12 वाट का ये एक स्पीकर है। तो यहाँ पे इसका यूज़ करने वाले गाइस, ये अभी भाई परफेक्ट तरीके से वर्क करता है चल्लू कंडीशन के अंदर है। और यहाँ पे गाइस सिग्नल के रूप में यूज़ करने वाले इस मल्टीमीटर का, क्योंकि गाइस यहाँ पे वही सिग्नल इसके ऊपर मिलने वाले हैं, तो हम इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे यूज़ करने वाले एक 5699 नंबर का एक डायोड, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम करने वाला है इसके लिए। और गाइस इसको हैंडल के रूप में पकड़ने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे गाइस एक लकड़ी का, जो कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार की गाइस ये लकड़ी है, जिसे हम भाई यहाँ पे स्पीकर को ऊपर इस प्रकार से चिपका देंगे। तो कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे हम इसे चिपका देंगे, जिससे कि भाई फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़मीन के अंदर चली जाए। तो फटाफट से गाइस हम इसे चिपका लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो भाई यहाँ पे जो मल्टीमीटर से दो वायर आए थे गाइस, उसको कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे हमने लगा दिया टेप की मदद से, इस लकड़ी के ऊपर अच्छे से चिपका दिया। गाइस देख सकते हो मल्टीमीटर को भी यहाँ पे हमने अच्छे से चिपका दिया है। तो कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे मल्टीमीटर को ग्लू स्टिक की मदद से अच्छे से चिपका दिया, और ये गाइस यहाँ पे दो वायर मल्टीमीटर के इसके अंदर हमने लगा दिया है। अब गाइस देख सकते हो भाई, अब ये दो वायर गाइस यहाँ पे हम क्या करने वाले गाइस, अलग से दो वायर लेंगे और भाई दो ये जो स्पीकर के वायर इनमें हम कनेक्ट कर देंगे। पर गाइस एक वायर के अंदर हम लगा देंगे भाई यहाँ पे डायोड। तो गाइस इसे भी हम फटाफट से गाइस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो भाई हमने जो ब्लैक वायर था इसका जो मल्टीमीटर से गाइस आया था, उसे स्पीकर के यहाँ पे एक वायर में लगा दिया। गाइस देख सकते हो जो सिल्वर कलर की वायर है गाइस, उसको हमने स्पीकर के पास में लगाया, और गाइस नेगेटिव जो वायर है उसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीमीटर से अटैच कर दिया, और एक वायर को डायरेक्ट हमने यहाँ पे दूसरे उस टर्मिनल में सोल्ड कर दिया। गाइस ये बन के तैयार हो चुका है, किस प्रकार से गाइस बनाया देख सकते हो आप। अब डायरेक्ट गाइस यहाँ पे चलते हैं भाई किसी खुली जगह में, वहाँ पे देखेंगे भाई किस टाइप से वर्क करता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो भाई यहाँ पे हम खुले मैदान के अंदर आ चुके हैं। गाइस देख सकते हो किस टाइप से भाई ये खुला मैदान है। तो यहाँ पे गाइस हम मेटल डिटेक्टर को लेकर आ गए भाई, जैसे ही मैं यहाँ बजर की रेंज पे सेट करता हूँ यहाँ पे गाइस ये वर्क करने लग जाएगा। और भाई यहाँ पे हम स्कैन करेंगे हमें क्या मिल सकता है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर लिया, कुछ कुछ बीप का साउंड हमें आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे स्कैन करने वाले भाई हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो भाई यहाँ पे ये मेटल की पत्ती, इसके कारण गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छी बीप आ रही है। तो गाइस ये भाई देख सकते हो किस प्रकार से ऊपर ही पड़ी थी, अभी देखते हैं और आगे क्या मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो सिग्नल वो मिल रहा है। तो यहाँ पे चेक करते गाइस क्या हो सकता है। अभी जैसे गाइस मैं इसको ऊपर उठाऊंगा ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। गाइस वापस पास ले आऊंगा, देख सकते हो किस प्रकार से गाइस ऑन हो गया है। तो यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो गाइस अभी आप देखते हो भाई यहाँ पे मिला है गाइस एक मेटल का पार्ट, जो कि गाइस यहाँ पे भाई एक सरी का टुकड़ा। तो गाइस यहाँ पे ये हमें मिला है इसके नीचे से, देख सकते हो भाई किस टाइप से ये मेटल लेटर जो है वर्क करता है। तो अगर वीडियो गाइस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।